सर, मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं हिमाचल प्रदेश शिमला से हूँ। मुझे सर प्रॉब्लम बीपी की है, मेरा बीपी हाई रहता था, 180-200 के आसपास रहता था सर। तो सर यहाँ पे आए तो थोड़ा नॉर्मल हो गया सर। 155 कितने दिन रहे आप यहाँ पे? छठा दिन है सर आज। तो आप पूरे देश के लोगों से, आपके एज के लोगों से क्या बोलना चाहेंगे, अगर इनिशियल इस स्टेज में पता चल जाए हॉस्पिटल से, अंग्रेजी दवा अंग्रेजी पद्धति से पता चल जाए कि ये इस तरह का प्रॉब्लम आ गया, शुगर, बीपी, किडनी का, तो कितने दिन हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में आए तो वो ठीक हो सकते हैं? यही है कि यहाँ पे आए ट्रेनिंग ले और घर में जाके यही सब करे, फालतू की दवाइयाँ ना ले। उससे क्या होता है कि बाहर की दवाइयाँ लेके एक चीज़ ठीक होती है तो उस टाइम बाद दूसरी चीज़ें खराब हो जाती है। जी जी। आपको यहाँ कितने दिन में फ़र्क पता चला? ये तो 2 दिन में ही सर पता लग गया मेरा। तो कोई 5 दिन भी रहे तो उनको पता चल सकता है फर्क? ऐसा। और वो अंग्रेजी जो मेडिसिन का कुचक्र है उससे बाहर निकल सकता है? हाँ जी बिल्कुल। वो चक्र भी हुई है? हाँ जी, हाँ जी। जो घुसना तो जानता है? बिल्कुल बिल्कुल। और निकलना नहीं जानता है? जी बिल्कुल। निकालने के लिए आपको हिम्स डेराबस्सी हॉस्पिटल आना पड़ेगा। आचार्य मनीष जी ने इसको बहुत बहुत खूबसूरत खूबसूरती से बनाया है और डॉक्टर विश्वरूप सर का हाथ इस पे है, तो सब लोग क्योर होके ही जा रहे हैं। क्योर यहाँ पे वही लोग नहीं हो सकते हैं जो खाने को बोलेंगे कि भाई हम फ्रूट्स तो नहीं खा सकते, हम वेजिटेबल्स तो नहीं खा सकते हैं, हमको तो चिकन बिरयानी चाहिए, तो वो लोग नहीं ठीक हो सकते हैं। विश्वरूप सर उनको बोलते हैं कि भाई आप जा सकते हैं, हम आपको ठीक नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। आप यहाँ पे ठीक हो पा रहे हैं क्योंकि आप उनके द्वारा बताए हुए खाना को खा रहे हैं, उनकी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल सारे थेरेपी ले रहे हैं। हाँ जी। आप अपने समाज में लोगों को, दोस्तों को क्या बोलना चाहिए? बस यही बोलना चाहेंगे फालतू की इधर उधर ना जाए, अपने जहाँ फायदा है वहाँ पे आए। हिमाचल देहराबसी चंडीगढ़ में आए हॉस्पिटल में, 7 दिन की ट्रेनिंग ले, घर में जाके यही सब करें, फालतू की दवाइयों से बचे। जी थैंक यू। वेलकम। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है, हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।